अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वो है आ स्ट्रीट कार नेम डिज़ाइन के इम्पॉर्टेंट करेक्टर्स। लेट्स स्टार्ट। अगर हम बात करें मेजर करेक्टर्स ऑफ स्ट्रीट कार नेम डिज़ाइन की, सबसे पहले हमारे पास आता है करेक्टर ऑफ ब्लांची डिबियस। दिखाया गया है कि जो ब्लांची है वो सिस्टर है स्टेला की, ओल्डर सिस्टर है। और अगर हम बात करें इसकी एज की, तो इसकी एज दिखाई गई है कि ये तकरीबन 30 ईयर्स है इसकी एज। और शी वॉज़ अ हाई स्कूल टीचर, वो एक हाई स्कूल की टीचर दिखाई गई है। और बताया गया है कि जब ब्लांची यंग होती है तो वो शादी करती है, और शादी करने के बाद उसको पता चलता है कि जो उसका हस्बैंड है ही इज़ बेसिकली होमोसेक्सुअल। तो इसको जब ये बात पता चलती है तो उसके कुछ अर्से बाद ही जो उसका हस्बैंड है वो सुसाइड कर लेता है। और फिर जब सुसाइड कर लेता है तो कुछ अर्सा वहाँ पे रहती है ये, लेकिन कुछ अर्से के बाद वो जब स्कूल वाले इसको निकाल देते हैं, कुछ इसकी हरकतों की वजह से इसको स्कूल से निकाल देते हैं, तो ये अपनी बहन के पास रहने आ जाती है जिसका नाम है स्टेला। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कैरेक्टर है स्टेला कोलेस्की का। स्टेला जो है वो सिस्टर है ब्लांची की, और जो ये स्टेला है ये यंगर सिस्टर ऑफ ब्लांची है। और हमारे पास एक करेक्टर है स्टानले। स्टानले की ये वाइफ है स्टेला। और दिखाया गया है कि जो स्टेला है ये एक इमोशनल सेंटर है इस प्ले का। अगर हम बात करें इसकी नेचर की, तो उसकी दिखाया गया है कि जो स्टेला है वो बहुत ही काम सूथिंग है, यहाँ तक कि जो उसका हस्बैंड है वो बहुत ही वायलेंस करता है उसके ऊपर, लेकिन वो सब कुछ बर्दाश्त करती है क्योंकि वो कहती है कि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ अपने हस्बैंड से, तो उसके तमाम जुल्म ज़्यादतियाँ बर्दाश्त कर रही होती है। और दिखाया गया है कि तमाम प्ले में जो स्टेला का, इसका जो हस्बैंड है स्टानले उसका और इसकी साली का, मतलब कि स्टेला की बहन का, तमाम प्ले में दिखाया गया है कि झगड़ा रहता है, मतलब उनमें कोई ना कोई किसी बात पे लड़ाई रहती है उनके दरमियान। और इनकी लड़ाई की वजह से, मतलब कि ब्लांची और स्टेनले की लड़ाई की वजह से, जो स्टेला है वो बहुत डिस्टर्ब रहती है क्योंकि शी लव्स हर सिस्टर, अपनी बहन से भी मोहब्बत करती है और अपने हस्बैंड से भी मोहब्बत करती है, तो किसी को ना छोड़ सकती है ना किसी को फेवर कर सकती है। तो उसकी वजह से, इन दोनों के झगड़े की वजह से, जो स्टेला है उसकी लाइफ डिस्टर्ब होती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास करेक्टर है स्टेनले का। ऐसा आप लोगों को पता चल गया है कि जो स्टेनले है वो हस्बैंड है स्टेला का, जिसकी हमने बात की है अभी। और दिखाया गया है स्टेनले को कि ये बहुत ही एक वायलेंट करेक्टर है, इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत अग्रेसिव है ये। ये अपनी बीवी को मारता पीटता भी है, इसको जब गुस्सा आता है, जब उसकी अपने सारे से लड़ाई होती है तो फिर वो चीज़ें फेंक फेंक के मार रहा होता है, चीज़ों को तोड़ रहा होता है। मतलब कि इसका ये बहुत शॉर्ट टेम्पर होता है और अपना जो वायलेंस है अपनी बीवी पर निकालता है। अगर हम बात करें कि स्टेनले और ब्लांची के दरमियान जो झगड़ा है उसकी बेसिक्स क्या है, तो हम कह सकते हैं कि जो इनकी बेस है लड़ाई की वो ये है कि जो दोनों बहनें हैं ब्लांची और स्टेला, इनकी जो फैमिली है उनके पास एक प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी की वजह से इनमें झगड़ा हो रहा होता है। क्योंकि जो ब्लांची है वो कह रही होती है कि हमारे पास हमारा जो घर है उसके जो पेपर्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो उससे गुम हो गए हैं। तो इस बात पर इनका, मतलब जो स्टार्ट होता है झगड़ा, इस बात से होता है कि तुम गुम कैसे कर सकती हो, प्रॉपर्टी की वजह से जो होता है ना वो होता है झगड़ा इनका दरमियान। और दिखाया गया है कि जब स्टेनले की जो वाइफ है स्टेला, जब ये हॉस्पिटल में होती है ड्यू टू लेबर पेन, तो दिखाया गया है कि जो स्टेनले है वापस घर आता है एंड ही रेप ब्रांची। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट करेक्टर है वो है हेरोल्ड मिचेल का, जिसकी शॉर्ट फॉर्म यूज़ की गई है मिच। इसको कहा गया है पूरे ड्रामा में मिच के नाम से इसको बुलाया गया है। कहा गया है कि जो ये मिच है ये एक जेंटलमैन है और ये दोस्त है स्टेनले का। ये लोग एक गेम खेलते हैं, पॉकर गेम, उसमें ये लोग फ्रेंड्स हैं। और दिखाया गया है कि जो मिच है वो बहुत ज़्यादा जेंटील है और बहुत ज़्यादा मैनर्ड है, क्योंकि हमें एक करेक्टर दिखाया गया है मेल जो कि स्टेनले है, और दिखाया गया है कि वो बहुत ही अग्रेसिव है, बहुत ही क्या कहते हैं वॉयलेंट है। लेकिन उसके बरक्स जो हमारे पास मिच है वो थोड़ा मैनर्ड है, उसमें थोड़े बहुत मैनर्स हैं, लेकिन बेशक वो तमीज़दार है, लेकिन फिर भी उसमें जो फिज़िकल डिज़ायर्स हैं वो बराबर बराबर ही हैं। जैसे ब्लांची जो सॉरी जो हमारे पास स्टेनले है, स्टेनले और जो मिच है दोनों में इक्वल ही हैं। क्योंकि फिर हमें दिखाया गया है कि जो ब्लांची है वो और जो मिच, इनका एक रिलेशनशिप डिवेल्प होता है। इसमें जो ब्लांची है वो खुद को प्रिटेंड कर रही होती है कि मैं बहुत ज़्यादा यंग हूँ। और प्ले में ये बात दिखाई गई है, बताई गई है, अगर आप लोग पढ़ें टेक्स्ट को, कि जो ब्लांची है वो जब भी जाती है मिस से मिलने, तो वो कोशिश करती है कि हम लोग किसी अंधेरे वाली जगह पर मिलें जहाँ पर रोशनी ना हो, जहाँ पर डिम लाइट हो, या फिर हम शाम का टाइम मिलें, ताकि वो अंधेरे में उसको थोड़ी यंग लगे,
मतलब उसको पता ना चले कि मैं इतनी यंग नहीं हूँ, मतलब वो उससे अपनी एज और अपनी जो ब्यूटी है वो छुपाना चाह रही है कि मैं किस तरह मेरी जो ब्यूटी है वो इन्हेंस हो अंधेरे में और मैं उसको ज़्यादा खूबसूरत लगूँ और वो मुझसे अट्रैक्ट हो और मतलब मेरी तरफ राकिब हो जाए। लेकिन एंड में ये होता है कि वो सही चल रहा होता है इसकी गेम ब्लांची की, और जो मिच होता है वो उससे मान जाता है कि हम शादी कर लेंगे। लेकिन एंड टाइम पे जब वो आता है उसको प्रपोज़ करने, तो जो उसका स्टैनले है वो उसको सब कुछ बता देता है कि उसकी पास क्या था, इसका इसका जो हस्बैंड था वो होमोसेक्सुअल था, मतलब जो बातें उसने छुपाई हुई थी ना ब्रांची ने, वो सब आके मिच उसको बता देता है, मिच को बता देता है स्टैनले। तो इसकी वजह से जो इस सच्चाई की तरफ जानने के बाद जो मिच है वो शादी करने से पीछे हो जाता है। इसके बाद हमारे पास कुछ माइनर फैक्टर्स हैं, इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है यूनिस का। यूनिस जो है वो स्टैनले और स्टेला के जो नेबर्स हैं स्टीव, उसकी वाइफ है। और जो यूनिस है दिखाया गया है कि ये बहुत प्रैक्टिकल है, और ये भी दिखाया गया है कि यूनिस का और जो उसका हस्बैंड है स्टीव, इनका तकरीबन आपस में झगड़ा रहता है तमाम टाइम। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कैरेक्टर है स्टीव का। स्टीव दिखाया गया है कि वही स्टैनले और स्टेला का जो पड़ोसी है नेबर वो है, और यूनिस का हस्बैंड है। और इसके अलावा है कि जो स्टीव है ये स्टैनले का एक पॉकर, जो हमने बात की है कि एक गेम है उसमें वो उसका फ्रेंड भी है, साथ गेम भी खेलते हैं ये लोग। ये दिखाया गया है कि जो स्टीव है ये बहुत ही ब्राश है, हॉट टेम्पर्ड है, लेकिन कभी कभी ये कॉमिक भी होता है। और इसके अलावा जैसे हमने पहले बात की है कि इनका तमाम टाइम आपस में झगड़ा रहता है, लेकिन ये लोग दे कॉन्स्टेंटली फाइट एंड मेकअप, मतलब ये झगड़ भी लेते हैं फिर सुलह कर लेते हैं, फिर लड़ते हैं फिर सुलह कर लेते हैं, इनका तमाम प्रेम यही चल रहा होता है सॉरी ड्रामा में। इसके बाद हमारे पास है एक और करेक्टर जिसका नाम है पैब्लो। पैब्लो दिखाया गया है कि ये भी स्टैनले का एक पोकर प्लेइंग फ्रेंड्स है। इसके बाद हमारे पास एक करेक्टर है डॉक्टर का। डॉक्टर जो है दिखाया गया है कि ये एक मेंटल असाइलम से आता है डॉक्टर, जो कि बिल्कुल एंड पे आता है ब्लांची को लेके जाने के लिए, क्योंकि जो स्टैनले है वो एंड पे प्रूव करने की कोशिश करता है कि जो ब्लांची है वो पागल हो गई है। तो फिर बाद में वो लोगों को बुलाता है, मतलब डॉक्टर्स को मेंटल असाइलम से, कि आओ और हमारे घर से इस पागल को ले जाओ। तो डॉक्टर जो आता है वो है ये। इसके अलावा हमारे पास एक करेक्टर है मेट्रोन का। मेट्रोन जो है वो भी एक नर्स है जो आती है मेंटल असाइलम से ब्लांची को लेने के लिए। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है ये एक यंग मैन का करेक्टर दिखाया गया है कि जो यंग मैन है वो कलेक्टर है, अ कलेक्टर ऑफ सब्सक्रिप्शंस फॉर द न्यूज़पेपर होम ब्लांची सीड्यूसेस। जैसे मैंने पहले बात की थी स्टार्ट में कि जो ब्लांची है उसको स्कूल से निकाल दिया गया था, और स्कूल से निकालने की जो वजह थी वो उसकी यही हरकतें थी, मतलब कि वो तमाम जो उसके इर्द गिर्द लोग थे उनसे फ्लर्ट करती थी, उनसे फिजिकल रिलेशन बनाती थी, उनको सीड्यूस करती थी। तो यहाँ पर दिखाया गया है इस यंग मैन को जिसको ब्लांची ने सीड्यूस किया था। ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने डिस्कस किया है स्ट्रीट कार नेम डिज़ायर के इम्पॉर्टेंट करेक्टर्स। मैंने कोशिश की है आसान लफ्ज़ों में समझाने की, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड क्लास फेलोज़। थैंक यू।